हेलो फ्रेंड्स, kusumvishwakarma.com में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ब्रेड का चमचम बनाना बताऊंगी। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। शुगर सिरप बनाने के लिए हमने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है। अब इसमें डालेंगे पानी, आधा गिलास से थोड़ी से ज्यादा है। इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। चीनी डालेंगे, ये 6 चम्मच चीनी है। इस चम्मच से गया है। इसमें फूड कलर डालेंगे, लेमन येलो थोड़ा सा। फ्लेम हम ऑफ करके अब इसे ठंडा करेंगे। आधा कप मिल्क पाउडर से हमने मावा बना लिया है। मावा बनाते समय हमने चीनी भी डाल दिया है और इलायची पाउडर और थोड़ा सा किशमिश भी डाले हैं इसमें। कोकोनट पाउडर है। व्हाइट ब्रेड हमने ले लिया है। येलो कलर का हमने शुगर सिरप बना लिया है। कल हमने कैंडी बनाया था, उसका शुगर सिरप बच गया है। रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो, ग्रीन। अब हम ब्रेड को इसी तरह से काट लेंगे। अब इसी तरह से एक एक चम्मच हम इसमें मावा लगा लेंगे। हमने सिर्फ किशमिश डाला है, आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। अब इसी तरह इसको चिपका देंगे। अब इसी तरह से हम शुगर सिरप में डाल के ऐसे हाथ से प्रेस करेंगे और कोकोनट पाउडर में कोट कर लेंगे। अब यह ब्रेड की मिठाई रेडी हो गया है। इसे हमने टूटी फ्रूटी से गार्निश कर दिया है। यह ब्रेड मावा की मिठाई बहुत ही टेस्टी होती है। यह बच्चों को बहुत पसंद है। इसे हमने कई कलर में बना लिया है। यह 20-25 मिनट तक फ्रिज में रख देने से यह सेट हो जाता है। इसे ऐसे भी खा सकते हैं। यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक लिए बाय बाय फ्रेंड्स।